माय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉट सो पॉपुलर विल बिकम पॉपुलर वन डे। आज तो खैर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा मेरा चैनल पॉपुलर। इसी आशा से वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। हिम्मत देने वाले आप हैं, हिम्मत देते रहिएगा। और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनबॉक्सिंग, जो कि है डिज्नी फिगर और मैकफर्लिन टॉयज़ का कम्बिनेशन, और ये है मिररवर्स, डिज्नी मिररवर्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आपको करैक्टर का नाम दिखाते हैं। ये है जीनी टैंक, ठीक है, जीनी टैंक डिज्नी मिररवर्स। ये फिगर है जिसका आज हम इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। और बड़ा ही प्यारा फिगर है, आप सबने देखा होगा अलादीन की कार्टून जो आती थी बचपन में हमारे, और अभी भी शायद अवेलेबल है एक दो जगह पे। बाद में मूवी भी आई थी 21 में या 22 में आई थिंक। और इसमें ये जीनी करैक्टर आपको देखने को मिला था, वही ये जीनी है, देखिए सेम और सेम लुक्स एंड एवरीथिंग। और इसमें ये बैक पे दिखाया हुआ है डिज्नी का एक छोटा सा करैक्टर कार्ड, डिज्नी मिररवर्स जीनी टैंक, यहाँ विल कलेक्ट देम ऑल। ये और बहुत सारे करैक्टर हैं डिज्नी मिररवर्स में, और ये मिक्की माउस भी है एज ए मैजिशियन। ओके, तो ये इसका साइड पिक्चर है, ये देखिए कितना प्यारा है डिज्नी मिररवर्स जीनी टैंक, और ये है फिगर। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक देखने के लिए इस फिगर की क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा है, कैसा देखने में लगता है, जब हाथ में आएगा तो कैसा रहेगा। और इसका हाइट ऑलमोस्ट 7 इंचिस के आसपास है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो मेरे चैनल पे नए बन रहे हैं, नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत वेलकम है हर्षित अनबॉक्स टॉयज़ में। अगर आप में से कोई भी अगर कोई एक्शन फिगर लेना चाहता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए जल्दी से ओपन करता हूँ मैं इस ब्यूटीफुल फिगर को, डिज्नी के जीनी टैंक को। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करते हैं। बाहर निकाल रहे हैं, चलिए। और ये रहा हमारा डिज्नी टैंक, 7 इंच का फिगर है, बहुत ही प्यारा सा, बड़े बड़े हाथ है इसके, और ये टाइडर है, बांधा हुआ है, और इसके पीछे ये इसका केप भी है, ठीक है, इसको केप बोलते हैं। और मतलब कपड़ा है इसके पीछे जो इसने ड्रेस डाली हुई है उसका, ठीक है, तो प्रॉपर ड्रेस बनाई हुई है। और ये ब्यूटीफुल फिगर है जीनी टैंक, मुस्कुराता हुआ जीनी। और हम सब सोचते थे जब ये अलादीन का कार्टून आता था, हम सब सोचते थे काश हमारे पास भी जीनी हो, हमारे पास भी जीनी हो, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। और जीनी से याद आया, एक सीरियल भी आता था सोनी पे, आई ड्रीम ऑफ जीनी, है ना। तो मतलब बड़ी अच्छी यादें हैं जीनी के साथ, है ना, जीनी करैक्टर के साथ। उम्मीद है अगर आप में से किसी के पास अगर आई ड्रीम ऑफ जीनी का कोई पार्ट्स या कोई लिंक है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, बड़ी चाह रहती है देखने की। इसी वजह से मैंने सोनी का वो सोनी लिव का लिया था सब्सक्रिप्शन, बट उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो प्लीज़ लिंक शेयर करना, ठीक है। तो ये है डिज्नी टैंक डिज्नी मिररवर्स की तरफ से, और ये उसका शायद स्टैंड है, और ये इसका करैक्टर कार्ड है, और ये पीछे ब्यूटीफुल बैकग्राउंड दिया गया है मैजिक मैजिक वाला, ठीक है। और इसके बीच में से शो करेंगे इसको जीनी को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको अनटाइट करते हैं। तो चलिए अब बाड़ी आ गई इसको बाहर निकालने की, इसके बड़े बड़े हाथ हैं, पहले उसको निकालते हैं बाहर, ठीक है। ओके,
और चलिए ये निकल गया, बड़े आराम से निकला है। ठीक है, ये यहाँ पे फिट होता है और अब इसको बाहर निकालना और भी आसान हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और ये आ गया बाहर। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें फिट करेंगे। तो अब हम इसको फिट करेंगे, चलिए बड़ा प्यारा सा है और फिट भी हो गया जल्दी से। और डिज्नी की ये बहुत प्यारी सी फिगर है, आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर वो चिराग भी होता तो और बढ़िया लगता ये, है ना। और ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है प्रॉपर, इस स्टैंड में फिट हो जाएगा ये। अब इस स्टैंड को भी निकालेंगे, पहले फिगर के बारे में बात करते हैं। बहुत प्यारा सा फिगर है, हंसता मुस्कुराता और स्माइल बहुत प्यारी है। और इसकी जुंडी बड़ी प्यारी है ना, जुंडी सॉफ्ट, बड़ी सॉफ्ट सा मटेरियल है दाढ़ी का भी और जुंडी का भी। और ये जो कपड़े का स्टफ़ दिया हुआ है ये भी बड़ा सॉफ्ट रबड़ काइंड ऑफ है मटेरियल, और बाकी सब मजबूत एकदम टाइट सॉलिड। और इसके हाथ बड़े बड़े, जैसे कि आप देख रहे हैं रिंग्स पहनी हुई हैं। और ये गोल्ड पहना हुआ है और ये शायद गोल्ड की ड्रेस शो की हुई है, गोल्ड के कड़े पहने हुए हैं। ठीक है, आजकल नहीं ले सकता था, आजकल बड़ा महंगा है भाई, 1.5 लाख के आसपास। हाँ, और चलिए इसके पास तो होगा ये, जी नहीं है ले सकता ये भाई, ये जादू करेगा ले लेगा। हा। कहिए क्या हुक्म है मेरे आका, ऐसे करके जिनी आता देखा था हमने अपनी हर जगह मूवीज़ में या कुछ कहानी में एपिसोड्स में, है ना। तो सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है अभी मेरे को। और ये देखिए बड़ा प्यारा है, बैक साइड भी बहुत अच्छा है, लुक और शाइन और मटेरियल बहुत शानदार दिया हुआ है। और बड़ी प्यारी सी फिक्र है ये, और ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, बच्चों का काम है शोर मचाना। सो बैक साइड पे ठीक है, चलता रहता है कुछ ना कुछ इनका। और चलिए बात करते हैं इस ब्यूटीफुल जीनी की। अब देखते हैं इसका फेस घूमता है थोड़ा सा, और बाजू तो प्रॉपर आर्टिकुलेटेड है, हम देख लिया। और ये भी ट्विस्ट करता है थोड़ा सा, घूमता है बट उखड़ जाता है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो मटेरियल लगा वो बहुत टाइट है। ये जो कपड़ा वगैरह ये जो दिखाया हुआ है उसकी वजह से प्रॉपर रोटेशन नहीं होते। बाकी ये देखिए उसकी गर्दन वगैरह प्रॉपर मूव करती है, ठीक है। और बाकी सब बहुत बढ़िया है, अगर ये पीस मतलब कलेक्शन में रखा जाए बहुत शानदार रहेगा। और साथ में जो छोटे छोटे वो आते हैं अलादीन 3 इंच या 4 इंच में, वो साथ में करेक्टराइज किए जाए, वो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं वो स्टैंड की तरफ, स्टैंड को बाहर निकालते हैं, देखते हैं स्टैंड देखने में कैसा है, मटेरियल कैसा है और कैसे इस पे बैठेगा तो कैसा लगेगा। तो जल्दी से करते हैं फटाफट से। इसका ये जो जीनी टैंक है वो बाहर निकाल लिया, करेक्टर कार्ड ठीक है। और ये पीछे इसमें लिखा हुआ है, स्टेट्स लिखी हुई है इसमें, 5/10, 7/10, 1/10, 8/10 बायो लिखा हुआ है, एज अ फ्री स्पिरिट जिनीज़ लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी शाइन्स डे और नाइट, ही लेंड्स अ जायंट गैलेक्टिक हैंड टू ड्रॉ द एनिमी एनिमीज फोकस फ्रॉम हिज एलिस वाइल हिज फिनोमिनल कॉस्मिक पावर्स अलोस हिम टू डैजल हिज फोर्स। तो चलिए छोटा सा लिखा हुआ था इसके बारे में, हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और ये बड़ा प्यारा सा इन्होंने बनाया है स्टैंड इसका जीनी का, ठीक है। नीचे से ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो इसमें ये मतलब फिट हो जाएगा। और ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ना, जैसे वो होता ना चक्रवात वैसा घुमावदार गोल गोल वैसा बनाया हुआ है। और बड़ा ही प्यारा सा मटेरियल यूज़ किया है, ना ये शीशा है ना प्लास्टिक, मतलब मिक्स सा स्टफ लग रहा है। ये थोड़ा सा इधर से सॉफ्ट लग रहा है, यहाँ से हार्ड है नीचे से। तो चलिए हम इसको अब इसमें सेट करके देखते हैं, ठीक है।
ऐसे ही है भाई तो साहब। चलिए हमने इसको स्टैंड में डाल दिया और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना, स्टैंड भी और हमारा जीनी भी। और ये देखिए क्लोजअप दिखाता हूँ अब आपको, जीनी डिज्नी का जीनी है ना, बड़ा ही प्यारा है, बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ा प्यारा सा स्टैंड है, साथ में चिराग होता तो और मज़ा आ जाता, ठीक है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये प्री ऑर्डर पे दिलवा दूंगा। बहुत जेन्युइन सा प्राइस रखा है 2800 विद शिपिंग, ठीक है, शिपिंग के साथ ही आपको मैं दे रहा हूँ, बाकी जगह से आपको ये 3400-3500 के आसपास मिलता है और मैं आपको सिर्फ 2800 में विद शिपिंग दे रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल सील्ड पैक पीस रहेगा, अगर आप ये वाला लेना चाहते तो ले सकते हैं, इसका प्राइस आपको 2600 रहेगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा फिगर है और देखिए स्माइल ऐसी है, ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ बोलेगा ये एकदम रियलिस्टिक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है, ये बहुत प्यारा सा जिन्हें हमने आज अनबॉक्सिंग किया है और जल्दी से और भी चीज़ें लाएंगे अनबॉक्सिंग के लिए, मोटल कॉम्बैट के कुछ फिगर्स लाएंगे, जी आई जो लाएंगे आपके लिए, और क्योंकि जी आई जो का अनबॉक्सिंग किए बहुत टाइम हो गया और मोटल कॉम्बैट का कभी हमने किया ही नहीं, तो इसलिए मोटल कॉम्बैट का जल्दी से कोई ना कोई करेक्टर लाएंगे आपके लिए और जल्दी से आपके लिए एक जी आई जो का भी लाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको दिखा पाऊँगा, स्टफ बहुत ज़बरदस्त है, आर्टिकुलेशन भी ज़बरदस्त है, बाइसेप वगैरह मूव करेगा, शोल्डर अलग से और फोर आर्म्स भी, हैंड भी और रिस्ट भी, और गर्दन थोड़ा सा मूवमेंट करता है, और बाकी हार्ड बॉडी है, काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया हुआ है, लाइट मटेरियल नहीं है, तो क्योंकि मैकफरलिन जब भी बनाता है ज़बरदस्त चीज़ बनाता है, आप सबको मालूम होगा जो भी मैकफरलिन के टॉयज रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और अमृतसर में पड़ रही है बारिश और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, तो आज इतना ही, जल्दी से ख़त्म करते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं, चाय के साथ पकौड़े लेते हैं। तो चलिए सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। बाय बाय, सी यू, टाटा।